सीधा प्रयागराज आपको लिए चलते हैं, जहां पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे हैं। गोपाल गुप्ता नंदी जी, पूर्व मंत्री आदरणीय हमारे सिद्धार्थनाथ जी, हमारे तीनों माननीय सांसद आदरणीय केसी देवी पटेल जी, आदरणीय दीदी रीता बहुड़ा जोशी जी, आदरणीय विनोद सोनकर जी और मंच पर हमारे सभी माननीय सम्मानित विधायक, नाम लूंगा तो चूंकि आगे कार्यक्रम है, मेरे सभी माननीय विधायक, माननीय पदाधिकारी और सामने बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के कमल को खिलाने के लिए संकल्प लेकर के दिन रात परिश्रम करने वाले मेरे जिगर के टुकड़े के समान मेरे कार्यकर्ता मित्रों, भाइयों, बहनों, बड़े बुजुर्गों, पत्रकार साथियों, मैं आप सब लोगों से लंबी बात नहीं करूंगा, मैं आपसे लगातार बातचीत करता रहता हूं। आज हम सब लोगों को माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनना है, लेकिन इतना जरूर मैं कहूंगा कि प्रयागराज का गौरव 2014 में जब आपने माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कमल खिला करके केंद्र में सरकार बना करके वापस करने की ताकत दी थी और जब 2017 में उत्तर प्रदेश में सरकार बना करके आपने डबल इंजन की सरकार बना करके जो ताकत दी है, उसके बाद का प्रयागराज मुझे बताओ बदला है कि नहीं बदला है, दोनों हाथ उठा के बताओ। अभी जो बदलाव आप देख रहे हो, मैं इतना ही कहूंगा, अभी जो बदलाव आप देख रहे हो यह तो झांकी है मेरे मित्रों, 13 मई के बाद पूरी पिक्चर आना बाकी है मेरे दोस्तों, इस बात की तैयारी करके चलो। आज प्रयागराज को चाहे सड़क मार्ग हो, चाहे रेल मार्ग हो, चाहे हवाई मार्ग हो और चाहे जल मार्ग हो, चारों मार्गों से आवागमन की सुविधा मिलने जा रही है। सपा, बसपा, कांग्रेस, इन राजनीतिक दलों ने राजनीति का अपराधीकरण किया, राजनीति में भ्रष्टाचार किया, मुस्लिम तुष्टीकरण की घटिया राजनीति, जातिवाद की घटिया राजनीति किया। आज इनको विदाई का समय है। आप सब जानते हो आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार अपराधियों के खिलाफ ठोस पैरवी करके उनको सजा दिलाने का काम करती है, लेकिन सपा, बसपा, कांग्रेस की ताकत के बल पर पहले अपराधियों को पाला पोसा जाता था, उनको बढ़ावा दिया जाता था, एक अपराध करने वाले को 1000 अपराध करने की छूट दी जाती थी, लेकिन आज कोई अपराध करेगा तो कहीं कोई राजनीतिक और प्रशासनिक संरक्षण नहीं है। ये बदलाव आपके आशीर्वाद से मिला है। मैं आप सबसे आज यहाँ पर प्रार्थना करना चाहता हूँ, चूंकि आज प्रचार का अंतिम दिन है, आप सब आए हैं, उनसे भी जो नहीं आ पाए प्रयागराजवासी, उनसे भी, चाहे वह मेरा नौजवान प्रथम बार का मतदाता हो, चाहे मेरी मातृशक्ति माताएं बहने हो, चाहे मेरे नौजवान दोस्त हो, चाहे मेरे बड़े बुजुर्ग हो, चाहे न्याय पालिका के मंदिर में न्याय के लिए लड़ाई लड़ने वाले मेरे अधिवक्ता मित्र हो, शिक्षक हो, प्रतियोगी छात्र हो, व्यापारी हो, कर्मचारी हो, यहाँ के गरीब हो, किसान हो, मजदूर हो, सब लोग मिलकर के भारतीय जनता पार्टी के महापौर पद के प्रत्याशी श्री गणेश के सरवानी जी और 100 पार्षदों को जिताने का काम करिए, क्योंकि यहाँ जो जिताने की मैं अपील कर रहा हूँ, आप जानते हो जो बड़े बड़े काम देश और प्रदेश में हो रहे हैं, इसलिए हो रहे हैं कि देश में और प्रदेश में आपके आशीर्वाद से प्रचंड बहुमत की सरकार बनी है। मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ, नगर निगम की भी सरकार प्रचंड बहुमत की बननी चाहिए, बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए, इसलिए आज आप शपथ लेकर के जाइएगा, बाकी सब कुछ जाइएगा भूल, याद रखिए नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ और